तो जनाब गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। दुबई में जिस तरह बोलते हैं सुबह अल खैर, तो सुबह हो गई है दुबई में और मैं इस वक्त बैठा नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, पिशावरी रेस्टोरेंट, मैं आपको दिखाता भी हूँ बैक कैमरा ऑन करके। वहाँ पर मैं करूँगा अब नाश्ता। पीछे मेरा व्यू देख रहे हैं, पीछे ट्रैफिक भी जा रही है, देख रहे हैं ये ट्रैफिक है सर। ये जो होटल देख रहे हैं ना, ये वाला ये है कोरल, कोरल देरा करके होटल है ये वाला। तो यहाँ पर बैठ के अभी नाश्ता करूँगा। बंदे को मैंने ऑर्डर कर दिया है, कह रहे हैं कि जी एक पराठा बोला और एक चना मैंने उसको बोला है। और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को शेयर करनी थी, वो ये है कि यहाँ पर पानी पीने का बड़ा मसला होता है कि वो लोग जो नए आते हैं यहाँ पर दुबई में, तो वो पानी पीने के लिए कैसे उनको करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कहीं रिहाइश का इंतज़ाम है, अगर आप तो अकेले रह रहे हैं या फिर किसी के साथ रह रहे हैं, तो पानी पीने के लिए जो आपको जगह है ना वो ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि आप डेली पानी की जो बोतल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे पानी भरने के लिए कल से मैं ले कर आया हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो ये भाई नाश्ता लेके आए मेरे लिए, ये है चने और ये है पराठा। तो अब करूँगा नाश्ता। हाँ, बता रहा था कि मैं जी ये वाली बोतल पानी की, ये वाली जो बोतल देख रहे हैं, ये पानी की जो बोतल भरने के लिए मुझे अपने जो जहाँ पर मेरी रिहाइश है वहाँ से तकरीबन एक आधा किलोमीटर तक पक्का है, बल्कि अगर आप जाओगे तो एक किलोमीटर तो पक्का है। यानी कि एक किलोमीटर की रेंज में जाके मुझे पानी पीने को मिलता है। वो तलाजे लगे होते हैं वहाँ पर मस्जिद के बाहर, बहुत ही कम बिल्डिंग होंगी जहाँ पर आपको पानी भरने के लिए मिल जाएगा। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ बैठ के मैं नाश्ता कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और ये रहा मेरा नाश्ता, काली मिर्च डालते हैं, टेस्ट अच्छा है इसका चने का। जी तो जनाब मेरी चाय आ गई, अब मैं पीता हूँ चाय। जी तो जनाब मैंने इस वाले जो पीछे रेस्टोरेंट है जो ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं ये वाला, उधर से मैंने किया नाश्ता। दुबई में पानी पीने का वाकई मसला होता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी अर्से से पहले भी रह के गया हूँ। और अब जिस जगह मेरी रिहाइश है वहाँ पर इर्द गिर्द जो है पानी पीने की जो जगह है वो अवेलेबल नहीं है। आपको ढूंढना पड़ता है कि पानी जो, क्योंकि आप डेली अगर आप मिनरल वाटर की बोतल लेंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी पार्किंग है, एक निज़ाम है, एक रूल है यहाँ पर, एक निज़ाम और एक रूल है यहाँ पर। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना यहाँ पर बहुत है, तो आई लाइक दैट दुबई रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्लेस है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्लेस है और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्लेस है दुबई। जी तो जनाब यहाँ पर जो रोड है ना बड़े एहतियात से पार्क करना पड़ता है। अगर आप एहतियात से रोड पार्क नहीं करेंगे ना तो ये गाड़ियाँ उड़ा पुड़ा के रख देती हैं आपको। तो ये रहा कोरल होटल। ये मैं अब सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ओपन होता है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। बहरहाल ये जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एहतियात बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जब आप रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त एहतियात होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जी तो जनाब मैं अब रोड क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं अब निकलता हूँ और जाके मुझे छोटे मोटे अपने काम जो है ना वो फिनिश आउट करने हैं लाजमी। तो अगले व्लॉग पे करते हैं, ये थी मेरी सुबह की व्लॉग, तो अगले व्लॉग पे करते हैं मुलाकात। टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़।